स्पीकर ने कल का डिसीजन दिया है वो बहुत ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश में लोकशाही खत्म करने का एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र है। आपने सुप्रीम कोर्ट हाथ में ले लिया है, आपने सीबीआई हाथ में लिया है, आपने ईडी हाथ में ले लिया है, आपने पुलिस यंत्रणा हाथ में ले ली है और आप जिस तरह से दबाव तंत्र का यूज करके अपोजिशन वालों को डरा रहे हो, धमका को जो इस महाराष्ट्र में जो इन्होंने घिनौना काम किया है वो इनको कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र ये ऐसा एक प्रदेश है जहाँ से आप देखोगे तो सामाजिक क्रांति हुई है, राजकीय क्रांति हुई है, ये क्रांति का प्रदेश है। यहाँ पे जनता जरूर क्रांति करेगी और बीजेपी को अपनी औकात दिखाएगी। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, की पिछले दो साल से महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा था, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के बाद में एक नया गुट सामने आया, शिवसेना शिंदे गुट, और क्या कुछ हुआ हम सभी जानते हैं। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कल फाइनली उस पर निर्णय आ चुका है और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी ने अपना जो है वो निर्णय सुना दिया है। उनका निर्णय पूरी तरह से शिंदे गुट के पक्ष में गया और हालांकि उसमें ताजुब कहीं है, कई लोग उनके निर्णय का एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ये बताया उन्होंने कि दोनों ही पक्ष में से कोई आमदार अपात्र नहीं है, तो ये सवाल भी काफ़ी चर्चा में है। इस पूरी बात के लिए हमारे साथ इस समय उद्धव ठाकरे गुट के जिला महासचिव अनिल जी है, उनसे मुलाकात करते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं उनकी राय लेते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे, अब ये साबित हो चुका है कि शिंदे गुट जो है वो असली शिवसेना है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। जिस शिंदे एकनाथ शिंदे ने 2014 हो 2019 हो उद्धव ठाकरे साहब के पास से एबी फॉर्म लेके वो एमएलए बने, मंत्री बने और उसी के बाद उन्होंने उसी पक्ष पर दावा कर दिया कि वही सच्ची शिवसेना है। मतलब बाला साहेब ठाकरे ने जो मेहनत से शिवसेना बनाई थी, प्रबोधनकार ठाकरे ने जो मेहनत से शिवसेना बनाई थी, वो शिवसेना कल आए हुए एकनाथ शिंदे ने हाईजैक कर ली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कल का जो निर्णय है वो लोकशाही को बहुत ही बहुत बड़ा मारक है। मतलब लोकशाही की हकल से देखा गई तो हत्या ही हो चुकी है। राहुल नार्वेकर ने जो डिसीजन दिया है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे उस डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं किया है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने जो उसके जो प्रतोद थे वो गलत थे गोगावले, और वहाँ पे सुनील प्रभु को सही ठहरा था, वही इन्होंने पलट दिया। और उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया था उसी इलेक्शन कमीशन का निर्णय इन्होंने पढ़ के दिखाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको यही करना था। जबकि कल परसों उद्धव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि एक न्यायाधीश एक आरोपी को किस तरह से मिलता है, मतलब राहुल नार्वेकर जाके एकनाथ शिंदे को मिले थे तो उनको क्या चर्चा हुई थी ऐसी, और डिसीजन आप उस चर्च आप आरोपी को जाके मिल रहे हो और उस आरोपी को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों की मिली भगत है। और जो राहुल नार्वेकर ने कल का डिसीजन दिया है वो बहुत ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश में लोकशाही खत्म करने का एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र है। आपने जो अभी कुछ अभी बोला है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई बार ए बी फॉर्म खुद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से, तत्कालीन पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से लिया, और उसके बाद में आपने फेसबुक में कई कमेंट कुछ ऐसा किया है कि किसी के फादर ने कोई चीज़ को लाया, क्या है वो? देखिए, आप किसी के फादर ने एक घर बनाया, उस घर में किसी किराएदार को रखा या किसी कामगार को रखा और वो कामगार ही उस घर पे अपना हक जताता है, इसी तरह का ये प्रकार हुआ है। जो जितने भी एमएलए एक शिवसेना से बाहर निकले और अपना एक गुट बना के खुद ही शिवसेना बना ली, तो उनको यही कहना है कि जब तक आप शिवसेना में थे, आपको एकनाथ अपना उद्धव ठाकरे जी ने आपको ए बी फॉर्म दिया, आपको एमएलए बनाया, आपको मंत्री बनाया और आपने उनका ही घर खा लिया, तो देखिए ऐसे भी जनता पूरी तरह से उद्धव साहब के साथ है। ये जितने भी एमएलए बाहर गए वो सारे के सारे हारने वाले हैं, और आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से सहानुभूति की लहर जो है वो उद्धव ठाकरे साहब के साथ है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये डिसीजन सिर्फ लोकशाही के लिए था कि लोकशाही इस देश में जिंदा है या नहीं है। इस डिसीजन से इतना मालूम पड़ गया है कि इस देश में लोकशाही जिंदा नहीं है, और ये बीजेपी और ये जो यहाँ के महाराष्ट्र की जो शिंदे गुट है ये पूरी तरह से लोकशाही खत्म करने को निकले हैं। इसके लिए इनको अभी आने वाला समय जनता दिखाएगी कि किस तरह से इन्होंने जो घिनौना काम किया है वो गलत है और उसका इनको फल भुगतना पड़ेगा, उसका कारनामा जो इन्होंने किया है उसको उनको भुगतना पड़ेगा। आपने भी बीजेपी का नाम लिया, बीजेपी की जो एक राजनीति रही है,
कि जिसका हाथ पकड़कर वो बड़ी हुई है उसी को उसने पछाड़ा है, ऐसे कई जगह पर हम देख चुके हैं, फिर अलग अलग स्टेट में वो मामले हो चुके हैं। तो अब इस पर महाराष्ट्र भी कुछ इसी राह पर चल रहा है, तो आने वाले चुनाव में इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार होगी? देखो, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति तो ऐसा है कि यहाँ पे वैसे भी बीजेपी वसई विरान में कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से आप पूरे देश में देख रहे हो कि किस तरह से बीजेपी घिनौना काम कर रही है, महाराष्ट्र में उन्होंने एक नहीं तो दो दो पार्टियों को फोड़ दिया और अपनी तरफ ले लिया, ये बहुत ही बड़ा घिनौना काम है। आपने दो पार्टी फोड़ दिए, ये लोकशाही के लिए बहुत ही घातक है। आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया वहाँ से, और आप सीधा सीधा आके कह रहे हो कि हमने बदला लिया, तो ये जो ये आप कर रहे हो ये लोकशाही के लिए अच्छा नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट हाथ में ले लिया है, आपने सीबीआई हाथ में लिया है, आपने ईडी हाथ में ले लिया है, आपने पुलिस यंत्रणा हाथ में ले ली है, और आप जिस तरह से दबाव तंत्र का यूज़ करके अपोजिशन वालों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, उनके एमएलए फोड़ रहे हो, उनकी पार्टी फोड़ रहे हो, तो इस तरह से आपको लोकशाही ख़त्म करने के रास्ते पर ही आप हो। और ये 2024 जो आने वाला इलेक्शन है, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें पता चलेगा कि बीजेपी को जो इस महाराष्ट्र में जो इन्होंने घिनौना काम किया है वो इनको कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र ये ऐसा एक प्रदेश है जहाँ से आप देखोगे तो सामाजिक क्रांति हुई है, राजकीय क्रांति हुई है, ये क्रांति का प्रदेश है। यहाँ पे जनता जरूर क्रांति करेगी और बीजेपी को अपनी औकात दिखाएगी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अनिल चौहान जी, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के पालघर जिला सचिव है, और उन्होंने किस तरह से बताया कि ये जो पूरा का पूरा निर्णय आया इनको इन्होंने पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ठहराया है, और कहीं ना कहीं आज देश में जहाँ एक तरफ एक गुट है वो इसकी चाहे खुशी मना रहा हो, लेकिन देश जो है पूरा वो ये सोचने पे मजबूर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जो कुछ हुआ है वहाँ पर, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी जी ने जो कुछ किया था उनके पावर का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, उसके बावजूद जो कुछ कहीं बारीक पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट्स के आधार पर इस तरह का निर्णय दिया गया, तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये अभी इस समय भारतीय राजनीति में शुरू है। आने वाले समय में और भी कहाँ क्या ये कहाँ तक जाएगा, किस तरह से राजनीति का स्तर गिरेगा, ये हम नहीं कह सकते। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। एफ न्यूज़ लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।